बलवंत राय मेहता लेन की 23 नंबर की कोठी में रहने को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। ये कोठी अब अलॉट की गई है लोकसभा में आरजेडी संसदीय दल के नेता तस्लीमुद्दीन को, लेकिन अभी तक वो नहीं रहने गए हैं क्योंकि बाबूलाल मरांडी ने वो कोठी अभी तक खाली नहीं की है। तस्लीमुद्दीन जी हमारे साथ हैं। तस्लीमुद्दीन जी, बाबूलाल मरांडी का जो स्टाफ है उससे मेरी बात हुई, उनका कहना है कि आज आपके 4-5 लोग गए और काफ़ी वहाँ हंगामा किया। हंगामा कहाँ किया, जाके कहते हैं कि हमको खाली कराइए या नहीं तो हमारा कैंसिल करा दीजिए, खाली कीजिए। उन्होंने कहा 4 दिन में कर देंगे। उनका ये कहना है कि बिजली के बिल, पानी के बिल, जो भी तमाम ड्यू थे वो उनको निपटा रहे हैं, उसमें टाइम लग रहा है। दूसरा उनका ये भी सवाल है कि उन्होंने तो हो गया, टाइम कितना लगेगा, 3 महीना तो हुआ नहीं, 3 महीना हुआ तो टाइम कितना लगेगा उसको। 23 जुलाई का पत्र आपके हाथ में है और 23 जुलाई को आपको आवंटित की गई है ये कोठी, तो आपने सरकार से बात की, संबंधित विभाग मंत्रालय से बात की कि आखिर कोठी? बिल्कुल बिल्कुल, 5 बार बात किया है, चेयरमैन से बात किया है, चेयरमैन का हो जाता है खाली। क्या बाबूलाल मरांडी से भी कोई बात हुई व्यक्तिगत रूप से, आपने उनसे आग्रह किया कि खाली कर दें? बाबूलाल तो कभी नहीं रहता है यहाँ, उनका जो है एक जो लड़का है जो टीका पिका काम करता है वो लोग रहता है, कुछ स्टाफ सब जो है नहीं, स्टाफ क्वार्टर में रहता है, किराया पर लगाया हुआ है वो लोग है। मैं गया था, मिस्टर दास हैं जो बाबूलाल मरांडी के स्टाफ में हैं, उन्होंने कहा कि जो सर्वेंट इस क्वार्टर में पीछे महिलाएं रहती हैं, उन्होंने एक दिन शिकायत की कि रात में कुछ आपके समर्थक गए और गाली गलौज की, इस तरह का भी आरोप है? रात में तो नहीं, सवेरे आज ही गया है, कल भी गया था दिन में, तो कहे कल आइए, हम लोग नहीं है कोई, आज जाके कहा था कि 4 दिन में हम खाली करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तस्लीमुद्दीन जी का कहना है कि उन्हें सरकारी आवास मिले ये उनका हक है, और अभी सरकार को तय करना है कि उन्हें कब और कब तक और कहां पर सरकारी आवास मुहैया कराती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो कोठी खाली नहीं कर रहे हैं, ये उनका जो रवैया है वो ठीक नहीं है। साथ ही साथ अपनी सफाई में और दलील ये दे रहे हैं कि इनके लोगों ने वहां कोई हंगामा नहीं किया। राघवेंद्र द्विवेदी, फोकस न्यूज़, दिल्ली।